Hello everyone, welcome to PYQs. This is numerical analysis question on Lagrange interpolating polynomial. So what I am pointing out here is that there is some printing mistake. So in this term of fx, there need to be a square. जो कि ये बुक में जैसा दिया हुआ था वैसा ही इन्होंने छाप दिया. बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक था, सो दे हैव मिस्ड अ स्क्वायर हियर. वो कैसे, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सो लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में हमें दो ही चीज़ पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लिखते हैं, और सेकेंड एरर, लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का एरर क्या होता है. तो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है राइट द थ्री पॉइंट्स Lagrangian interpolating polynomial relative to the points x0, x0 plus epsilon and x1, taking limit epsilon tends to 0, establish the relation. ये वाला जहाँ पे ये ex जो है वो error है, आप देख सकते हो यहाँ पे ex error ही लिखा हुआ है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है. और error function define कर रखा है कि ऐसा कुछ होता है. तो पहले हम इस question को शुरू कर कैसे कर सकते हैं. तो पहले व्हाट आई कैन से, लेट फाई एक्स बी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. तो हमें पता है कि एरर जो होता है एफएक्स माइनस फाई एक्स इक्वल्स टू एरर, दैट इज दिस टर्म पाई एन माइ एन प्लस वन फाई अपॉन एन प्लस वन. ये एरर किसके लिए होता है, अगर हमारे पास n प्लस वन इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स हो, n प्लस वन इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स, ठीक है. और यहां पे ऐसा कुछ कंडीशन होता है, दिस इज xn और दिस इज x नॉट. xn क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू है गिवन इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स का, और xn क्या होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है. तो यहाँ पे आपने देखा इस एक्सप्रेशन में वही डिफाइन कर रखा है. तो हमें यहाँ पे पहले ये लिखना था, उसके बाद हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे एफ एक्स इक्वल्स टू पाई एन फाइ एक्स प्लस, अब ये पाई एन को हम एक्सपेंड कर देते, दैट इज एक्स. कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट, तीनों पॉइंट्स के लिए लिख देते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और एक्स माइनस एक्स वन. और n प्लस वन की वैल्यू जो है वो क्या है, थ्री है, क्योंकि थ्री इंटरपोलेटिंग पॉइंट है. सो थ्री टाइम्स ऑफ डैश अपॉन, और फिर यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, दैट इज सिक्स. अब हम जब दोनों तरफ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो ये एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ जाएगा. इसको अगर हम कैंसिल करें तो हम देख रहे हैं ये वाला टर्म, ई एक्स वाला टर्म हमें मिल चुका है. तो अब हम ई एक्स वाला टर्म डिराइव कर चुके हैं, अब हमारे पास बचे तीन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, जो कि आएंगे हमारे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पे. तो हम चलिए लिखना शुरू करते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास तीन पॉइंट है, एक्स नॉट, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन और एक्स वन. तो सबसे पहले हम फाई एक्स जब लिखते हैं, तो फाई एक्स को लिखने के लिए हम, हमें पता है कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन. ओके, यहाँ पे x माइनस एक्स वन अपॉन, यहाँ पे x नॉट रखेंगे तो माइनस एप्सिलॉन, x माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स वन और एफ एक्स नॉट. ऐसे ही हम एक टर्म और सेकेंड वाला टर्म लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन, यहाँ पे x नॉट प्लस एप्सिलॉन वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे तो एप्सिलॉन, x नॉट प्लस एप्सिलॉन, x नॉट माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन आ गया, और फिर यहाँ आया x नॉट प्लस एप्सिलॉन. ओके, और फिर उसके बाद थर्ड वाला टर्म जो है उसी तरीके से हम लिख लेंगे, x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे भी x1 पुट करेंगे तो x1 माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, सो एफ एक्स वन. अब देखो, अब इन तीनों को एक साथ बार बार लिखने से अच्छा हम इसको कंसीडर कर लेते हैं फाइव वन फाइव टू और फाइव थ्री. अब हम ऊपर एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि एफ एक्स वन की वैल्यू है वो अलग लिखी हुई है और दो जगह एक्स नॉट आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइव वन और फाइव टू को एक साथ डील करेंगे और
फाइव को हम पहले अलग सॉल्व कर लेते, तो सॉरी तो फाइव के लिए, सो लेट डील फाइव विद सेपरेटली, लाइक लिमिट एप्सिलॉन, ये फाइव, जब यहाँ पे आप लिमिट में यहाँ एप्सिलॉन पुट करोगे तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर टर्म वॉट इज मिसिंग देयर, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ये थर्ड टर्म पाई थ्री वाला, ये हमारे पास आ चुका है, ओके तो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पे एक्स नॉट ये स्क्वायर टर्म वहाँ पे मिसिंग है। अब हम जब यहाँ पे हम ये निकाल चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं फाइव वन और फाइव टू की एक साथ, तो आपको देख आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट आया होगा और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन है, तो इसको हम टेलर्स एक्सपेंशन से अगर एक्सपेंड करें तो हमारे पास एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से अगर हम फाइव वन प्लस फाइव टू को लिखना चाहें तो फाइव वन प्लस फाइव टू को क्या लिखेंगे, पहले तो इन दोनों में से पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं दिस फाइव टू को, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, तो फाइव टू को पहले हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, और फाइव इसको एक्सपेंड करेंगे तो एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एफ डैश एक्स नॉट और प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, जो भी टर्म आएंगे स्क्वायर वाले टर्म्स, तो एप्सिलॉन बहुत ही छोटा है तो स्क्वायर वाले टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखो इसके आगे वाले टर्म को अगर हम इग्नोर कर दें तो फाइव वन प्लस फाइव टू को हम यहाँ जब लिखेंगे इन दोनों टर्म को एक साथ लेके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन और यहाँ पे एफ एक्स नॉट, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन कॉमन और एफ एक्स एक्स माइनस एक्स वन और यहाँ पे एफ एक्स नॉट, ओके एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट कॉमन आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट, ये मल्टीप्लीकेशन में है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो और हमारे पास जो बचता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट, पहले हम ये वाले टर्म्स सारे लिखते हैं फाइव वन के, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और यहाँ माइनस अपॉन एप्सिलॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और फिर ये वाले टर्म लिखते हैं एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एप्सिलॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ये एफ एक्स नॉट वाला टर्म। अब उसके बाद ये एफ डैश एक्स नॉट वाला टर्म भी हमें चाहिए, तो जब हम एफ डैश एक्स नॉट वाला टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये एप्सिलॉन और ये वाला एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट आई विल गेट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एप्सिलॉन इंटू एफ डैश एक्स नॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमें यहाँ से सेकेंड वाला टर्म मिल जाता है व्हाट इज एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो आपको ये दिखा कि हमारे पास ये सेकेंड वाला टर्म ये आ गया है, ओके हमें तीन टर्म फाइंड आउट करने थे, तो आप देखो ये सेकेंड वाला टर्म एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स एक्स वन माइनस एक्स अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे आपको देखा दिखेगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, ये सेकेंड टर्म आ चुका है। अब हमारे पास बचता है ये वाला टर्म जिसको हम सॉल्व करके जो थर्ड टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे, ओके तो अब हम चलते हैं इस सेकेंड वाले टर्म की तरफ, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा ये लंबा हो गया है एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट, इसको हमने अलग लिख लिया, अब हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे वन बाय एप्सिलॉन अगर हम कॉमन ले लें हर जगह से तो हमारे पास क्या आता है, अगर वन बाय एप्सिलॉन कॉमन ले तो यहाँ माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और फिर इसका भी मल्टीप्लाई उधर, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एप्सिलॉन, ओके और फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर एक्स माइनस ये इससे हम लिख रहे हैं एक्स माइनस एक्स नॉट
into x naught minus x1, okay, upon क्या मिला हमें x naught minus x1 into x naught minus x1 plus epsilon. यहां पहुंच चुके हम. अब उसके बाद इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. ओके, तो यहां पे पहुंच चुके हैं. अब हम यहां पे देखो, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये x नॉट x माइनस x नॉट नेगेटिव में है, यहां पे x माइनस x नॉट भी नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. तो व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 बाय एप्सिलॉन, और ये कैंसिल होगा, और फिर यहां पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा x1 माइनस x नॉट, यहां से x1 माइनस x नॉट नेगेटिव टर्म, प्लस x माइनस x नॉट इनटू एप्सिलॉन अपॉन x नॉट माइनस x1 इनटू x नॉट माइनस x1 प्लस एप्सिलॉन. ओके, अब ये एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा. अब लिमिट जो हम लेंगे x, और ये वाला टर्म तो आपने यहां लिखना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, fx नॉट ये हो गया. अब जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लोगे तो आपको ये दिखता है कि यहां पे आपको मिलेगा x प्लस x1 माइनस 2x नॉट अपॉन x नॉट माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स नॉट, और ये वाला टर्म यहां लिख देता हूं मैं, x माइनस x1. ठीक है, तो ये रहा हमारे पास थर्ड टर्म. तो दिस इज द थर्ड टर्म व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लिया, और एरर वाला टर्म हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था. सो यहाँ पे बस एक 2 दैट इज स्क्वायर इज मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक स्क्वायर आ रहा है. तो क्योंकि बुक में अभी ऐसे दिया हुआ था तो पता नहीं एग्जामिनर ने देखा नहीं, और वुड हैव रिटन डायरेक्टली. सो दैट इज ऑल हियर. थैंक यू.